सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जब बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है बेसिकली अगर क्लाउड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है कि आपको क्लाउड जो है अगर आपको करना चाहिए या फिर आपको क्लाउड नहीं करना चाहिए, क्या है इसकी रियलिटी, क्या है इसका इम्पोर्टेंस और क्यों हमें जो है क्लाउड की तरफ जाना है तो क्यों जाना चाहिए, और अगर नहीं जाना है तो क्या रीजन है कि हमें नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइस। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा सवाल आता है वो ये है कि क्लाउड कितना इंपॉर्टेंस है, राइट। इस क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे आईटी करियर के लिए। अब क्योंकि हम लोगों ने क्लाउड तो सुना था, लेकिन अब क्लाउड के साथ साथ में हम लोग एक और वर्ड सुन रहे हैं, हाइब्रिड क्लाउड। अब ये जो सिस्टम्स हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कैसे काम करता है, इसको हम बाद में हाइब्रिड क्लाउड के बारे में देखेंगे। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर। सो क्लाउड की जब हम बात करते हैं तो क्लाउड में आपको समझना होगा कि क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे सवाल लेता हूं कि हमें ये क्लाउड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको करना है तो क्यों करना है, नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। आई एम श्योर जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको करना चाहिए है या नहीं करना चाहिए है। अब इसके लिए मैं यहां पे सबसे पहले तो जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग जो इंफ्रा है, तो हम यहां पे सबसे पहले तो बात करते हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रा की, ठीक है ना। अभी जो आपका करंट में इंफ्रा चल रहा है किसी भी कंपनी की अगर बात करें, तो वहां पे अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये आपकी एक कंपनी है, ये कंपनी का ऑफिस है आपका, इसके अंदर जो आपके पास नेटवर्क चल रहा है, तो यहां पे हर कंपनी के अंदर जो होता है कि यहां पे आपके पास एक स्विच है, इसके साथ में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है ये इस तरह से, यहां पर एक और स्विच है आपका, इसके साथ में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, और हर कंपनी के अंदर आज की डेट में जो है कोई ना कोई एप्लीकेशन सर्वर तो चल ही रहा होता है। तो ये मान लेते हैं ये इनका खुद का एक ऐप सर्वर है, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं ऐप सर्वर। तो ये ऐप सर्वर है, तो ऐप सर्वर को चलाने के लिए स्विचेस की जरूरत है, और साथ ही साथ यहां पर राउटर की भी रिक्वायरमेंट है, यानी कि राउटर के रिक्वायरमेंट के साथ में इसमें जो है आईएसपी की भी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अब आईएसपी जो है वो 100% आपको, ऐसा तो है नहीं क्योंकि उसका कोई नेटवर्क कभी डाउन नहीं होगा, तो इसीलिए जो है आपको अगर अपने नेटवर्क के अंदर कोई भी डाउन टाइम एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, एक और आईएसपी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो है कंपनी का खुद का एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब यहां पे अब आप बोलोगे यार ये तो नॉर्मल सा नेटवर्क बना दिया, अब इसमें कहां पर जो है क्लाउड की बात आ रही है। अब क्लाउड की बात नहीं आ रही है, लेकिन क्लाउड क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। सो यहां पे देख सकते हैं ये जो सर्वर है, अभी आपका जो पूरा ऐप सर्वर है वो जितनी भी आपकी एप्लीकेशन चल रही है वो इस सर्वर से चल रही है। लेकिन सपोज कर लो कि आज की डेट में इस कंपनी ने, ये कंपनी है एबीसी कंपनी ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर की बात कर लो, राउटर की बात कर लो, डबल डबल आईएसपी की बात कर लो, ऐसे में चलो डबल आईएसपी तो इन एनी केस अगर रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जो सर्वर्स की कॉस्टिंग की बात करें, तो ऐसे में अगर आपकी कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जा रही है तो ऐसे में क्या है कि आपका जो नेटवर्क है उस नेटवर्क के अंदर ये जो सर्वर है वो भी आउटडेटेड हो जाएगा। अब ये आउटडेटेड हो गया तो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा, और अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं हमें इस सर्वर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट आ रही है। सपोज कर लो कि आज इस कंपनी ने ये जो सर्वर लगाया है उसकी जो कॉस्टिंग पे करी है वो है आपकी 10 लाख रुपीज, लेकिन आगे आने वाले 3 साल के बाद ये जो सर्वर है वो बिल्कुल भी आपका यूज में नहीं आ रहा है, तो आपको इस कंपनी को एक और नया सर्वर बाय करना पड़ा, और अगेन यहां पे जो है इसको से फॉर एग्जांपल यहां पे जो है 10 लाख का वापस से इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। तो यानी कि विद इन 3 ईयर इसको 10 लाख का इन्वेस्टमेंट दोबारा करना पड़ गया, राइट, क्योंकि आपके जो सर्वर की जो टेक्नोलॉजी है वो आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं कर रही है। ऐसे में अब ये एक सिंगल सर्वर तो आपका काम नहीं करेगा,
तो अगर आपको एप्लीकेशन को 24/7 यूज करना है और बिल्कुल डाउन टाइम आपको नहीं चाहिए है, तो इन दैट केस कंपनीज क्या करती हैं, मिरर इमेज क्रिएट करवाती हैं, एक और सर्वर लगाते हैं और उस सर्वर के अंदर जो है सिंक कंटिन्यू चलता रहता है। तो अगर एक सर्वर डाउन होता है तो सेकंड सर्वर जो है वो आपको हैंडल कर लेता है। लेकिन ऐसे में अगर आपकी टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है इतनी फास्ट, ऐसे में आपका जो नेटवर्क है उसके अंदर आपका जो कंपनी है उसको दोबारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, राइट। अब इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, यहाँ पे हम सिर्फ एक सिंगल सिंगल सर्वर मान के चलते हैं, तो भी आपका 20 लाख कंपनी ने पे कर दिया। 20 लाख जो है, मैं बोलता हूं 5 साल के अंदर भी अगर 20 लाख रुपए सिर्फ सर्वर्स के ऊपर अगर कोई कंपनी खर्च कर रही है तो ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। यहीं पे जो है अब क्लाउड जो है इस चीज को रिप्लेस कर रहा है। अब क्लाउड कैसे रिप्लेस कर रहा है, तो हम यही कंपनी का वापस जो है यहां पर नेटवर्क रेडी करते हैं। तो आपके पास ये सर्वर है, इसके साथ में कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, यहां पर आपका दूसरा स्विच है, इसके साथ में भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, राइट। अब यहां पर कोई भी सर्वर नहीं होगा, सिर्फ आपको राउटर लेना पड़ेगा। राउटर लेके जो है आपने ISP के साथ में ये आपका ISP 1 और यहां पे ISP 2, इतना ही नेटवर्क आपको रेडी करना होता है। आपको सर्वर्स के लिए जो है सर्वर आपके बिल्कुल यहां से हट चुके हैं। अब सर्वर क्योंकि हट चुके हैं, अब क्या होगा, अब यहां से जो आपकी सर्विसेज आ रही हैं वो कहां से आ रही हैं आपकी, वो आपकी आ रही हैं क्लाउड से। ये है आपका क्लाउड। अब क्लाउड में आपका AWS भी हो सकता है, राइट, जो Amazon का है, आपका एजोर भी हो सकता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, आपका जो है गूगल क्लाउड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे गूगल क्लाउड भी हो सकता है। तो ऐसे में जो है यहां पे और भी बहुत सारे हैं, जैसे अलीबाबा हो गया, और भी कई सारे कंपनीज हैं, जैसे आपकी डेल है होगी, HP हो गया, ये लोग भी प्रोवाइड करते हैं इस तरह के सर्विसेज को। लेकिन अभी जो टॉप की अंदर बात करें तो टॉप में आपका AWS, Azure और GCP चल रहा है। सो ऐसे में जो है अब यहां पर क्लाउड में क्या हो गया कि अब आप इस कंपनी ने जो क्लाउड स्पेस लिया है, तो से फॉर एग्जांपल मंथली जो सब्सक्रिप्शन उसने लिया है वो यहां पे लिया है से फॉर एग्जांपल 5,000 रुपीज का, ठीक है, 5,000 रुपीज मंथली लिया है। और 5,000 रुपीज अगर मंथली लिया है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप 12 से, यानी कि एक साल के अंदर कितना पे कर रहे हैं यहां पे, 12×5=60, राइट, 60,000 रुपए के अंदर जो है एक साल का काम हो गया। अब 60 को 5 साल से भी करते हैं, और मैं बोलता हूं यहां पे 5 क्या, अगर 10,000 भी होता है, सीधा राउंड फिगर लेते हैं और बढ़ा के 10,000 भी होते हैं, तो यहां पे आपका कितना हुआ, 1 लाख, राइट, 1 लाख हो गया। अब 1 लाख के बाद जो है अगर 5 साल में भी कर रहे हैं तो 1 लाख को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो गया आपका, 5 लाख, राइट। 5 लाख के अंदर अब यहां पर बेनिफिट क्या है, एक तो कॉस्टिंग कम हो गई, दूसरा बेनिफिट यहां पर क्या है कि अब इस कंपनी को सर्वर्स की अपडेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में कोई टेंशन नहीं है। जो भी करना है, अगर वो AWS से लिया है तो उनकी प्रॉब्लम है, यहां पे Azure से लिया तो उनका लुकआउट है, अगर आपका गूगल से लिया है तो उनका लुकआउट है, या किसी और से लिया है तो उनका लुकआउट है। आपको जो है एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती जाएगी। हो सकता है कि आपको एडवांस टेक्नोलॉजी वाले जो सर्वर्स हैं उनके लिए आपका जो सब्सक्रिप्शन से फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ चल रहा है वो 10,000 की जगह हो सकता है कि आपको 11,000 पड़ जाए, राइट। लेकिन इतना वास्ट डिफरेंस जो अभी हम लोगों ने एग्जिस्टिंग वाले में देखा, करंट जो आप ऑन प्राइम करते हैं, ऑन प्राइम और ऑन क्लाउड के अंदर ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। इसीलिए जो है अब क्योंकि हर कंपनी जो है अपना बेनिफिट चाहती है और साथ ही साथ यहां पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, इसीलिए मैक्सिमम जो कंपनीज हैं आज की डेट में वो क्लाउड की तरफ ज्यादा स्विच करती जा रही है, क्योंकि वहां पे उनको सिर्फ एक रेंट पे करना है। अगर आपने इस्तेमाल करा तो रेंट पे करना है, अगर आपने इस्तेमाल नहीं करा तो रेंट भी नहीं पे करना है। तो ये एक क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। तो इसीलिए आज की डेट में मैक्सिमम कंपनीज जो है अपने इंफ्रा खुद का ऑन प्राइम ना लगाकर वो यहां पे जो है क्लाउड पे ले लेते हैं स्पेस, और वहीं से सर्वर्स बाय करके वहीं से जो है काम कर लेते हैं। अब ऐसे में बेनिफिट ये भी हो जाता है कि अगर वहां पे एक सर्वर डाउन होता तो दूसरा मिरर सर्वर से आपको सर्विस मिलती रहती है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
तीसरी चीज यहां पर जो है आपको किसी भी तरह का कोई बैकअप लेने की जरूरत नहीं है, आप ऑटो बैकअप वाला सिस्टम भी बाय कर सकते हैं, वहां पे शेड्यूल कर सकते हैं, ऑटो बैकअप भी होता रहेगा आपके डेटा का। तो यहां पर जो है कंपनीज के लिए भी विन विन सिचुएशन है और हर आईटी पर्सन के लिए भी। अब यहां पे अगर आपने सिर्फ नेटवर्किंग करके रखा है या फिर आपने सर्वर्स करके रखा है तो आपको जो है क्लाउड के बारे में अगर नहीं पता है तो इन दैट केस आप यहां पे जो है जॉब नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपको कंटिन्यू क्लाउड के साथ में काम करना है। अगर क्लाउड के साथ में आपको काम करना है देन इन दैट केस आपको कोई ना कोई सर्टिफिकेशन क्लाउड का करना पड़ेगा। अब क्लाउड में आप AWS कर सकते हैं, Azure कर सकते हैं या फिर और कोई भी कर सकते हैं। जो भी सर्टिफिकेट करें आपको जो है एक अच्छा खासा अंदाजा लग जाएगा कि कैसे काम किया जाता है। अगर एक सर्टिफिकेट भी कर ले तो आप बाकी सभी के ऊपर भी इजीली काम कर सकते हैं। लेकिन इन सबको करने के लिए भी आपके पास पहले से नॉलेज होना चाहिए, नेटवर्किंग कैसे काम करती है, कैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह काम करते हैं, उसका नॉलेज होगा तो आप आसानी से इन सर्टिफिकेट्स को भी कर सकते हैं। इसमें कहीं पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग का इशू नहीं आएगा, किसी भी तरह का आपकी कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको यहाँ पे फेस करने को नहीं मिलेगी। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट ये होते जा रहा है कि आने वाला समय जो है वो यहाँ पे क्लाउड के बाद अब हाइब्रिड क्लाउड की बात होने लग गई है। सो हाइब्रिड क्लाउड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो आई एम श्योर कि आज का जो वीडियो है, जो लोगों को क्लाउड का डिसीजन लेना है कि हमें क्लाउड के सर्टिफिकेशंस करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, उनको एक अंदाजा लग गया होगा कि अब आने वाला जो फ्यूचर है वो किस तरह से होते जा रहा है, राइट? बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के लिए बड़े बड़े सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अब इन सर्वर्स को ऑन प्राइम में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगती है और ऑन क्लाउड पे जो है ये चीजें बहुत ही सस्ती पड़ जाती हैं। इसीलिए हर बिजनेस जो है इसी तरफ डाइवर्ट होते जा रहा है। आई एम श्योर कि अब आपका जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, आप आसानी से डिसीजन ले सकते हैं आने वाला फ्यूचर जो है वो किस तरह का रहेगा, ये आपको पता चल गया। और साथ में जो है क्लाउड को इस्तेमाल करने से आपको सिक्योरिटी पैरामीटर्स की भी बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे सिक्योर मिल जाते हैं, बिकॉज क्लाउड नेटवर्क जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्रोवाइड कर रही हैं वो उनका लुकआउट है उस पूरे इंफ्रा को प्रोटेक्ट करना। तो आपको अपने लेवल पे जो है ऑन प्राइम के अंदर सिर्फ अपने लोकल एरिया नेटवर्क को ही सिक्योर करना है, बाकी जो सर्वर एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंट डेटा की जो सिक्योरिटी है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा काम जो है वो आपका क्लाउड पे चल रहा है। सो आई होप कि वीडियो गाइस अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और जो है अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई टॉपिक है जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल है या नहीं है इसके बारे में भी जो है डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस आप लोग और देखना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे उसके लिए भी मुझे जरूर बताइएगा, और आप लोगों के कई सारे सवाल आ रहे हैं तो उनके भी आंसर जो है बहुत ही जल्द आपको मिलने वाले हैं। सो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।